क्वेश्चन ऑप्शन एक कमरा 20 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में अधिकतम लंबाई वाला बांस रखना है, तो उसकी लंबाई बताइए। तो 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर। दोस्तों ये जैसे कि एक कमरा होता है ये वाला, ये वाला, तो इस कमरे में अपन बांस रखते हैं, तो ये लंबा है, चौड़ा है और ऊंचे भी है। तो दोस्तों इसमें बांस क्या होते हैं, यहाँ तक नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, ये वाला इसका जो हिस्सा है जितने ऊंचे है ना, ये वाला हिस्सा आता है जो सबसे अधिकतम लंबाई होती है। तो ऐसे सिस्टम क्या करना चाहिए दोस्तों कि अगर ये निकालना है तो इसका जो तीनों लंबाई चौड़े ऊंचे है उसका वर्ग निकाल के मतलब वर्गमूल कर लेना है। जैसे 20 का जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो रूट में सबसे पहले क्या है 20, बीस का स्क्वायर प्लस फिर क्या है 12 प्लस और 9 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 20, 20 कितना होगा 400, 12 12 144 और 99 81। तो इनको जोड़ेंगे तो रूट में 4 ने 5 और 8 ने 4 12 का 2 सिला 1, 2 और 4 6, 625। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो 25 मीटर ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए कि एक घनाकार कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम लंबाई और ऊंचे वाला बॉक्स है ना। तो इसमें भी वही 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 12 12 144, 99 81 प्लस 8 अंगूठी 64 कितना होगा। देखो 8 ने 9, 8 ने 6 14, 4 8 का 8 सिला 1, 289, 289 का वर्गमूल होगा 7, कितना होगा 17। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि सुनने आ गया, वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल सब्सक्राइब करना।